नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लासेज में है जो मैंने आपको जो विधि है ख्याति के मूल्यांकन की, वर्षों की क्रिय विधि, उसे मैंने आपको जो है औसत लाभों के आधार पर जो ख्याति का मूल्यांकन करना सिखाया था, जिसमें अपन ने दो प्रकार पढ़े थे, सरल औसत लाभ और भारित औसत लाभ, जिसके मैंने आपको चार न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने भी आपको दिए थे। मैंने आपको PDF फाइल बना के भेजी थी, आपने वो चार न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लिए होंगे और आपके आसानी से हो भी गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको वैसे ही उदाहरण करवा दिए थे। आज अपन उसे आगे करते हैं, अधिलाभ आधार को पढ़ते हैं। वर्षों की क्रिय विधि में अधिलाभ आधार है, मैंने आपको बताया था कि वर्षों की क्रिय विधि में दो आधार है, एक तो औसत लाभ आधार होता है, एक अधिलाभ आधार होता है। तो आज अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अधिलाभ आधार। अधिलाभ आधार यानी कि सुपर प्रॉफिट के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कैसे करते हैं, किस प्रकार अपन ख्याति निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन को करना क्या है कि इससे बात करते हैं कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। जो सुपर प्रॉफिट है वो क्या होता है, वास्तविक औसत लाभों पर जो होते हैं आपके सामान्य लाभों का, जो सामान्य लाभ होते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, मैंने आपको कल बताया था, तो वास्तविक औसत लाभों का सामान्य लाभों से जो अधिक है, यानी अगर वो अधिक ही क्या कहलाता है, अधिलाभ कहलाता है। यानी कि वास्तविक औसत लाभ और सामान्य लाभ का अंतर ही क्या है, अधिलाभ है। कहने का मतलब अधिलाभ क्या है, वास्तविक औसत लाभ और सामान्य अभिलाभ की राशि के मध्य जो अंतर होता है वो राशि अधिलाभ कहलाती है। यानी अगर मैं इसे दूसरी भाषा में कहना चाहूँ तो वास्तविक औसत लाभों का सामान्य लाभों पर जो अधिक होता है वो राशि अधिलाभ कहलाती है। अब बात करते हैं सामान्य लाभ। सामान्य लाभ का मतलब क्या होता है कि सामान्य लाभ वो लाभ होते हैं जो वैसी फर्मों में सामान्य दशाओं में जो लाभ होता है वो आपका लाभ कैसे लाभ कहलाता है, सामान्य लाभ कहलाता है। कि मतलब अगर फर्म सही ढंग से चलेगी तो इतना लाभ होगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो अधिलाभ ज्ञात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि अधिलाभ कैसे निकालेंगे। तो अधिलाभ बराबर सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला काम में लेंगे, वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। अब बात करते हैं वास्तविक औसत लाभ कैसे ज्ञात करते हैं। तो वास्तविक औसत लाभ है, मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं, अपने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए, आपको पता होगा कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे ज्ञात करना है, हर चीज मैंने आपको बता रखी है। तो वास्तविक औसत लाभ आपको पता है कैसे ज्ञात करते हैं। अब बात करते हैं सामान्य लाभ की, बात करते हैं कि सामान्य लाभ कैसे ज्ञात करेंगे। तो अधिलाभ बराबर हो जाएगा वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। बात करते हैं सामान्य लाभ की। देखो, सामान्य लाभ यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट। तो सामान्य लाभ है आपका क्या है, जो आपने पूंजी इन्वेस्टमेंट की है, आपने फर्म स्थापना की है तो फर्म में जो पूंजी इन्वेस्टमेंट में की है, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रही है, यानी पूंजी पर प्रत्यय की दर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सामान्य प्रत्यय की दर। जैसे अगर मान लो कोई कहता है कि 1,00,000 पूंजी पर 10% की प्रत्यय रेट, यानी कि 1,00,000 पूंजी इन्वेस्टमेंट करते हैं 10,000 का लाभ होता है, तो आपने जो विनियोजित पूंजी, तो सामान्य लाभ कैसे निकालेंगे, विनियोजित पूंजी यानी कि कैपिटल इन्वेस्ट एम्प्लॉयड, विनियोजित पूंजी इंटू सामान्य प्रत्यय की दर। यानी कि बात करें तो सामान्य प्रत्यय की दर यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, ये आपको क्वेश्चन में क्या होगी दी हुई मिलेगी, सामान्य प्रत्यय की दर की, मतलब ये सामान्य दर से इतना लाभ होता है। अगर कई बार सामान्य लाभ की जगह क्या दिया जाता है, जो आपका रिस्क फैक्टर है और ब्याज की दर वो दी जाते हैं, तब अपन क्या करते हैं, तो देखें अगर याद करनी हो सामान्य प्रत्यय की दर भी नहीं दे रखी हो और अपन को क्वेश्चन में ये दे रखी हो सामान्य प्रत्यय की दर याद करनी हो, तो अपन क्या करेंगे, ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट में ब्याज की दर में क्या जोड़ देंगे, रिस्क फैक्टर यानी प्लस कर देंगे जोखिम तत्व को क्या कर देंगे ब्याज की दर में जोखिम तत्व को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपके सामान्य प्रत्यय की दर भी आ जाएगी अगर नहीं देर की हो तो। और सामान्य मैंने बता दिया, प्रत्यय की दर का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, जो आपकी विनियोजित पूंजी है उस पर आपको, अगर सामान्य दर का मतलब है कि आपको इतना रूप से नॉर्मली लाभ होगा। अब बात करते हैं कि आपको विनियोजित पूंजी कैसे ज्ञात करेंगे, विनियोजित पूंजी। तो देखो, विनियोजित पूंजी कैपिटल एम्प्लॉयड
कैसे ज्ञात करनी है। तो विनियोजित पूंजी क्या करना है, आपकी जो आपने बैलेंस शीट पढ़ी होगी 11th क्लास में, तो आपको पता होगा एक साइड एसेट्स होता है, एक साइड लाइबिलिटीज होता है, दोनों साइड का योग बराबर होता है। तो आपने जो पूंजी लगाई वो क्या एसेट्स है, जो एसेट्स का योग है उसमें से अगर अपन एक्सटर्नल लाइबिलिटी यानी बाहरी दायित्व घटा देंगे तो जो जो चीज़ बचेगी वो बचेगी आंतरिक दायित्व इंटरनल लाइबिलिटीज। और आंतरिक दायित्व क्या होती है, विनियोजित पूंजी होती है, जिसे अपने आपने 11th क्लास में छोटी जो 11th क्लास उसमें आपने पढ़ा होगा कि एसेट्स है और एक साइड आपकी क्या है लाइबिलिटीज है, और जो एसेट्स और लाइबिलिटीज का योग क्या होता है बराबर होता है, और लाइबिलिटीज को अपन क्या लिखते हैं कैपिटल यानी कि पूंजी। तो जब बाहरी दायित्व घटा देते हैं तो क्या बचता है, पूंजी बचती है, कैपिटल बचती है एसेट्स में से। तो यहाँ पर आपकी जो एसेट्स है तो आपने क्या प्रयुक्त संपत्तियां, बात करें संपत्तियां माइनस क्या कर देंगे, अगर को माइनस क्या करेंगे विनियोजित पूंजी क्या करनी है तो बाहरी दायित्व है, क्या क्या कर देंगे माइनस बाहरी दायित्व है यानी कि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो बचेगा क्या आंतरिक दायित्व है, और आंतरिक दायित्व का मतलब क्या है विनियोजित पूंजी यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इतनी चीज़ें ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अधिलाभ बराबर वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, सामान्य लाभ कैसे विनियोजित पूंजी इनटू सामान्य प्रत्याय की दर, और सामान्य प्रत्याय की दर ब्याज की दर प्लस जोखिम तत्व है, विनियोजित पूंजी बराबर संपत्तियां माइनस बाहरी दायित्व है। अब आपको कई बार ध्यान रखना, अगर कई बार क्या होता है कि जो सामान्य लाभ है, जो सामान्य लाभ क्या होता है वास्तविक औसत लाभों में से सामान्य लाभ अधिलाभ होता ही नहीं है, कई बार क्या होता है अधिलाभ आता ही नहीं है, क्योंकि आपको सामान्य लाभ हो 20,000 और वास्तविक औसत लाभ हो 15,000 यानी कि नॉर्मल रेट थी कि 20,000 का लाभ होगा लेकिन वास्तव में रियल में लाभ तो 15,000 का है, तो 5,000 माइनस, तो उस दशा में, तो उस दशा में क्या नहीं होती ध्यान रखना, उस दशा में अधिलाभ नहीं होने पर अधिलाभ या तो शून्य होने पर या ऋणात्मक होने पर, ध्यान रखना अधिलाभ शून्य या क्या होने पर ऋणात्मक होने पर ख्याति का मूल्य क्या होगा, होने पर ख्याति का मूल्य क्या होगा शून्य होगा, ख्याति का मूल्य भी क्या होगा शून्य होगा, ध्यान रखना। और अब ख्याति कैसे ज्ञात करेंगे, गुडविल की बात करें तो ख्याति बराबर क्या कर देंगे अधिलाभ जो आपने निकाला है सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ इनटू वर्षों की जो आपकी क्रय संख्या है वो कर देंगे गुणा, तो क्या कर देंगे वर्षों की क्रय संख्या नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये आपको क्वेश्चन में दी होगी दो गुणे आधार पर या तीन गुणे जो भी देर की हो उससे क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना है। तो ख्याति बराबर क्या हो जाएगा अधिलाभ इनटू वर्षों की क्रय संख्या। अधिलाभ कैसे निकालेंगे वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, सामान्य लाभ नहीं देर का सामान्य लाभ ऐसे विनियोजित पूंजी इनटू सामान्य प्रत्याय की दर, सामान्य प्रत्याय की दर नहीं देर की हो तो इनको ब्याज की दर प्लस जोखिम दो जोड़ के सामान्य प्रत्याय की दर ज्ञात कर लेंगे, विनियोजित पूंजी नहीं देर की हो तो संपत्तियां माइनस बाहरी दायित्व देर, इससे करके विनियोजित पूंजी भी निकाल लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना, और ख्याति क्या क्या लिए क्या करेंगे अधिलाभ इनटू वर्षों की क्रय संख्या से गुणा कर लेंगे, तो सुपर प्रॉफिट को गुणा करेंगे, वहां पर अपन किससे गुणा करते थे वास्तविक औसत लाभ को गुणा करते थे ख्याति के लिए, और यहाँ पर क्या करेंगे अपन अधिलाभ को वर्षों की क्रय संख्या से गुणा कर लेंगे, तो आपके सामने क्या आ जाएगी ख्याति। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और अधिलाभ शून्य या ऋणात्मक होने पर ख्याति का मूल्य भी क्या होगा शून्य होगा। अब चलते हैं अपने उदाहरण की तरफ, करते हैं एक उदाहरण। अब देखो आपको एक उदाहरण दे रखे हैं, एक फर्म की पूंजी 50,000 है, फर्म की पूंजी कितनी देर की है, एक फर्म की पूंजी देर की है 50,000 यानी कि जो आपकी विनियोजित पूंजी है कैपिटल इंप्लॉयड है 50,000 दे रखी है, यानी कि आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पूंजी दे रखी है अपन को ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद आपको कहा है कि सामान्य प्रत्याय की दर 10% है, यानी कि बात करूं मैं इंग्लिश में लिख देता हूं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है आपके 10% दे रखी है NRR। फिर आपको कहा है कि फर्म के वास्तविक औसत लाभ 9,000 है, वास्तविक औसत एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, मैंने आपको बताया AAP 9,000 रुपये वास्तविक औसत लाभ। फिर आपको कहा है कि अधिलाभों के 4 गुणे के बराबर, कितने गुणे के बराबर नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने देखें, ये देखें आपको 4 times यानी 4 गुणा का मतलब 4 times आपको कहा है ख्याति की गणना करनी है।
करते हैं ख्याति की गणना। देखो देखें, सबसे पहले आपको चाहिए अधिलाभ। क्या चाहिए? अधिलाभ। और अधिलाभ बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था सुपर प्रॉफिट, यानी कि सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, यानी कि वास्तविक औसत लाभ माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो वास्तविक औसत लाभ अपन को दे रखा है 9000, कितना दे रखा है 9000 माइनस सामान्य नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर नहीं दे रखा, लेकिन अपन को नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात कर लेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट अपन ज्ञात करेंगे सामान्य लाभ, तो मैंने बताया नॉर्मल प्रॉफिट के बराबर क्या बताया था, सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी गुणा सामान्य प्रत्याय की दर। तो विनियोजित पूंजी यहाँ पर कितनी है 50,000, और सामान्य प्रत्याय दर कितनी दे रखी है आपको 10%। तो 50,000 का 10% निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5,000 रुपये, कितना आ जाएगा 5,000 रुपये। और जब अपन नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर लेस करेंगे 9,000 माइनस 5,000, तो ये आपका अधिलाभ कितना आ गया 4,000 रुपये, यानी कि अधिलाभ सुपर प्रॉफिट हो गया 4,000 रुपये। अब आपको ज्ञात करनी है गुडविल यानी कि ख्याति, और ख्याति बराबर क्या हो जाएगा सुपर प्रॉफिट कितना है 4,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं 4 टाइम्स, तो ये हो गया 4, तो ये आपका आ गया 16,000 रुपये। तो आपकी गुडविल कितनी होगी 16,000 रुपये हो गई। ओके, एक सेकंड इंक डाल लेता हूँ। तो आपकी गुडविल कितनी होगी 16,000 रुपये हो गई। तो इस प्रकार आपको क्या ज्ञात करनी है, क्वेश्चन दे रखा हो तो आपको क्या ज्ञात करनी है, गुडविल ज्ञात कर सकते हैं कौन सी विधि से, वर्षों की क्रय विधि से, अधिलाभ आधार पर। तो इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस प्रकार ज्ञात करनी है। अब बात करते हैं एक नेक्स्ट उदाहरण और लेते हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखो, देखें थोड़ा सा अच्छा उदाहरण लेते हैं जो कि बड़ा भी है। और उदाहरण कह रहा है कि 1 अप्रैल 2017 को एक फर्म की संपत्तियां कितनी थी 2,00,000 रुपए थी। कितनी थी आपको कह रहा है कि उदाहरण कह रहा है कि 1 अप्रैल 2017 को एक फर्म की संपत्तियां 2,00,000 रुपए थी। फर्म की संपत्तियां 2,00,000 रुपए थी। फर्म की संपत्तियां कितनी थी 2,00,000 रुपए। फिर आपको कह रहा है कि जिसमें 10,000 की रोकड़ भी शामिल थी, 10,000 की रोकड़ भी शामिल थी, और इस स्थिति को लेनदार 10,000 के थे। इसमें क्या है 10,000 की रोकड़ शामिल है, यानी कि 10,000 का कैश शामिल है फर्म की संपत्तियां 2,00,000 में, और आपको कहा है कि लेनदार कितने के थे 10,000 के थे। और आपको पता है कि जो विनियोजित पूंजी होती है वह प्रारंभिक विनियोजित पूंजी ही होती है जो आप 1 अप्रैल 2017 को है, ना कि एंड वाली। ये भी ध्यान रखना, वो अंतिम पूंजी होती है, प्रारंभिक पूंजी को ही अपन विनियोजित पूंजी कहते हैं। 10,000 के तहत साझेदारों के पूंजी खातों में 1,60,000 का शेष, जो आपके पार्टनर थे साझेदारों के पूंजी खाते का शेष, आपको दे रखा है 1,60,000 रुपए। इसके बाद आपको कहा कि संचय कोष 30,000 का था। संचय कोष कितने का था, रिजर्व फंड, संचय कोष 30,000 का था। उसके बाद आपको कहा है कि ब्याज की दर 8% और जोखिम तत्व 2% था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% और रिस्क फैक्टर 2%। मैंने आपको पहले बताया था अभी कि ये क्या कब जरूरत पड़ेगी, जब आपको नॉर्मल NRR नहीं दे रखा हो तो अपने दोनों को जोड़ के ज्ञात करेंगे, जिसे NRR आ जाएगी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपको क्या है अधिलाभों के 3 वर्षीय क्रय पर फर्म की ख्याति का मूल्य 33,000 से, आपको देर का, आप देखो
आपको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ परचेज ईयर, कितने गुणा के आधार पर आपको दे रखा है, थ्री टाइम्स, तीन गुणा के आधार पर। ख्याति का मूल्य 33,000 हो, आपको गुडविल भी दे रखी है, देखो गुडविल का मूल्य भी दे रखा है, गुडविल दे रखी आपको 33,000 रुपए। और आपको दे रखा है, तो आपको ज्ञात करना है वास्तविक औसत लाभ की राशि क्या होगी। अब देखो आपको ज्ञात करना है AAP, यानी कि AAP पूछा है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो वास्तविक औसत लाभ, यानी कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, आपको ये ज्ञात करना है वास्तविक औसत लाभ। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये आपके सामने क्वेश्चन है कि आपको क्या ज्ञात करना है, वास्तविक औसत लाभ ज्ञात करना है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ज्ञात करना है, यानी कि सब कुछ निकाल के दे रखा है गुडविल वगैरह सब कुछ, आपको AAP ज्ञात करना है। देखो AAP अपन कैसे ज्ञात करते हैं, देखो देखें, सबसे पहले अगर बात करते हैं आपको फर्म की संपत्तियां दे रखी 2,00,000 रुपये, 10,000 रोकड़ है, ठीक है, इसका यहाँ पर आपके 10,000 रुपये रोकड़, इसमें कोई मतलब वाली बात नहीं है क्योंकि फर्म की संपत्तियों में ऐसे साइड में कैश भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, 2,00,000 ही कोई मतलब नहीं इस लाइन का, ये आपको सिर्फ क्या है परेशान करने के लिए, यानी आप इनमें उलझ जाओ इसलिए दे रखी है। आपको कहा लेनदार 10,000 रुपये, ये काम की बात है, लेनदार 10,000 रुपये, और लेनदार आपको पता है कौन सी साइड लिखे जाते हैं, लाइबिलिटी साइड में लिखे जाते हैं, और लेनदार कैसे दायित्व है, बाहरी दायित्व है, यानी कि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, ठीक है। और साझेदारों को पूंजी खाते का साइज 1,60,000 रुपये, ये आपका कैसा है, इंटरनल है, और ये लाइबिलिटी साइड में लेकिन इंटरनल है, और संचय कोष 30,000 रुपये। मैं आपको इसके अगर बैलेंस शीट बना के बताऊँ तो ये बैलेंस शीट किस प्रकार की है आपको इसी समझ में आ जाएगी। अपन आपको विनियोजित पूंजी ज्ञात करनी है कि विनियोजित पूंजी कैसे ज्ञात करना, आपको आराम से समझ में आ, देखो मैं आपको बैलेंस शीट बना के बता, वैसे जरूरी नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ समझाने के लिए। अगर मैं इस मदों से बैलेंस शीट बनाता हूँ स्टार्टिंग की, तो ये बैलेंस शीट इस प्रकार की होती है, देखो देखें, ये बैलेंस शीट इस प्रकार से होती है आपके, ये आपकी लाइबिलिटीज है, ये आपके अमाउंट का कॉलम है, ये आपका एसेट्स का कॉलम है, और ये आपका अमाउंट का कॉलम है। अब देखो आपको क्या देर की है, संपत्तियां 2,00,000 देर की, कितनी देर की, 2,00,000, जिन 10,000, यानी कि बाथरूम है, यानी कि ये कहने का मतलब है कैश 10,000 रुपये है, और सैंडरी एसेट्स विद संपत्तियां कितनी देर की है, 1,90,000 बच जाएगी। अगर लाइबिलिटी साइड का बात करूं तो लाइबिलिटीज में आपको क्या देर का है, क्रेडिटर्स कितना देर का है, 10,000 रुपये, कैपिटल पार्टनर कैपिटल कितनी देर की है, 1,60,000 रुपये, और आपका संचय कोष यानी रिजर्व फंड ये आपको देगा 30,000 रुपये। ये आपकी बैलेंस शीट है, दोनों साइड का योग बराबर है, आप देख लो 2,00,000 और इधर का भी 2,00,000, ये आपकी बैलेंस शीट है, देख लो ये दे रखी है। अब आपको ज्ञात करनी है विनियोजित पूंजी यानी कैपिटल एम्प्लॉयड, कि इन्होंने पूंजी कितनी लगाई, तो सीधी सी बात मैंने आपको बताया विनियोजित पूंजी की, मैंने क्या किया, संपत्तियों में से क्या करना है, बाहरी दायित्व घटा दो, तो यहाँ पर संपत्तियाँ 2,00,000 और बाहरी दायित्व कितना है, 10,000, ये 10,000 घटा दो, पीछे बचा कितना, 1,90,000, ये देखो दोनों आंतरिक दायित्व में चाहिए, आप आंतरिक दायित्व जोड़ लो अगर नहीं दे रखे तो, अगर नहीं दिए होते तो अपन क्या करते हैं भाई, आपको ये दोनों मदे नहीं दिए, आपको सिर्फ ये दिया होता 2,00,000 और 10,000, तो सीधे 1,90,000, ये दे रखें तो ये भी जोड़ सकते हो आप, ये जोड़ दो कैपिटल और रिजर्व 1,90,000, बात तो वही की हुई है। तो यानी कि आपको मैंने आपको बताया था कि आपको क्या ज्ञात करना हो, कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करना हो, विनियोजित पूंजी ज्ञात करना हो, तो आपको क्या करना है, प्रयुक्त संपत्तियां माइनस बाहरी दायित्व, यानी जो संपत्तियां हैं उसमें से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज घटा देनी है। तो यहाँ पर आपके समझ आ गया होगा, तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया। तो देखो देखें, तो विनियोजित पूंजी, देखो देखें विनियोजित पूंजी कितनी आई भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई 2,00,000 माइनस 10,000, यानी कि 1,90,000, ये आपका 1,90,000 रुपये हो गया, विनियोजित पूंजी ज्ञात कर ली, ठीक है। अब सामान्य प्रत्याय की दर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, मैंने आपको बताया दोनों को जोड़ दो तो ये कितनी होगी,
8% प्लस 2% बराबर 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगी। अब बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट कितना होएगा। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर क्या बताया था मैंने, विनियोजित पूंजी इंटू सामान्य प्रत्याय की दर, तो 1,90,000 इंटू 10% तो कितना हो गया, ये आ गया 19,000 रुपये। तो 19,000 क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया आपका, सामान्य लाभ हो गया। अब मैंने आपको बताया था अधिलाभ, अधिलाभ का फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट बराबर क्या था, एपी माइनस वास्तविक औसत लाभ माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पर एपी आपको पता नहीं है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 19,000 है, और सुपर प्रॉफिट भी आपको पता है। सुपर प्रॉफिट आपको देखो कहीं कहीं आपको सुपर प्रॉफिट है, अधिलाभ बराबर वास्तविक औसत लाभ सामान्य लाभ, सुपर प्रॉफिट नहीं दे रखा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्या दे रखी है, गुडविल दे रखी है। आप देखो गुडविल दे रखी है, गुडविल दे रखी है, अपन का गुडविल निकलती कैसे, यहाँ देखो थोड़ा सा यहाँ लिखो, देखें गुडविल निकलती कैसे, देखो गुडविल मैंने आपको बताया गुडविल बराबर क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये बताया था मैंने आपको। और यहाँ पर गुडविल दे रखी है कितनी देर की, 33,000, तो गुडविल की जगह गुडविल रख दो 33,000। सुपर प्रॉफिट नहीं पता तो सुपर प्रॉफिट छोड़ दो, लेकिन नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पर देर का है कितना, थ्री टाइम्स कर दो। अब अगर इसको आगे अपन करेंगे तो ये सुपर प्रॉफिट बराबर ये 3 है, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो यानी सुपर प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, 33,000 / 3, और 3 का भाग देंगे ये आ जाएगा 11,000 रुपये, यानी अधिलाभ भी आ गया अपने पास कितना है, 11,000 रुपये, सुपर प्रॉफिट कितना है, 11,000 रुपये। अब देखो सुपर प्रॉफिट की जगह अपन सुपर प्रॉफिट रख देते हैं 11,000, एपी की जगह एपी रख देते हैं, और 19,000 की जगह 19,000 रख देते हैं। अब अपन ट्रांसफर करते हैं, अपन को एपी याद करना है, तो एपी माइनस का 19,000 इधर ले आओ, तो 11,000 प्लस 19,000 बराबर क्या हो जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, तो यानी कितना आ गया आपका, वास्तविक औसत लाभ आ गया 30,000 रुपये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपको ज्ञात करना था वास्तविक औसत लाभ, तो आपका आंसर हो गया ये, यानी कि वास्तविक औसत लाभ कितना होगा, 30,000 रुपये। तो ये था क्वेश्चन, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, दोबारा देखना आपके समझ में आ जाएगा अच्छे से, यानी कि सारी चीज़ें वही है, आपको क्या है थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो वास्तविक औसत लाभ कितना आ जाएगा, 30,000 रुपये आ जाएगा इस क्वेश्चन में। तो आज के लिए इतना ही अपन करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में जो अपन है पूंजीकरण विधि पढ़ेंगे, पूंजीकरण विधि के तहत ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन जो अधिलाभों की जो आपकी वर्षों की विधि में जो अधिलाभ आधार है उसके जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको भेज दूंगा, आप उनको करना, और उसके बाद अपन आगामी क्लास में अधिलाभ और औसत लाभों की जो विधि है पूंजीगण विधि, पूंजीगण विधि में भी यही दो आधार है, जैसे वर्षों की क्रय विधि, विधि का नाम वर्षों की क्रय विधि, दो आधार थे, एक औसत लाभ और एक आपका जो अधिलाभ आधार। पूंजीगण विधि में भी दो आधार है, औसत लाभ और अधिलाभ। तो पूंजीगण विधि आगामी क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसकी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30,000 रुपये जो है आपका वास्तविक औसत लाभ आ जाएगा, जो आपको वास्तविक औसत लाभ भी ज्ञात करना था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।